सोते से इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का टोनर अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। इससे पोर्स मिनिमाइज़ होते हैं एंड स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी एज ए मॉइस्चराइज़र एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर स्टे कुकी का प्राइमर लूँगी एंड इसे अपने टीजन एरियाज़ पर लगा कर इसे ब्लेंड कर लूँगी। इससे जो ओपन पोर्स है अच्छे से मिनिमाइज हो जाते हैं एंड स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइजिंग के लिए ईवा का लिप बाम यूज़ करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर टू फाउंडेशंस को अप्लाई करूँगी, मेबेलिन फिट मी एंड लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन। दोनों को मिक्स कर कर अपना मुझे एक्चुअल शेड मिल जाता है मेरे स्किन टोन से। मैं इसे अपने पूरे फेस एंड नेक पर अप्लाई कर लूँगी फिंगर की हेल्प से एंड एक ओवल ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। काफ़ी अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड आपको थोड़ा सा टाइम देना होता है बेस मेकअप के लिए ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अगर हमारा बेस मेकअप अच्छा लगेगा तो सारा ही मेकअप हमारा अच्छा लुक हमें मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी एंड ये शी टू मीडियम कवरेज हमें प्रोवाइड करता है। देन एक डैम्प स्पंज की हेल्प से इसे अच्छे से पुश करूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कॉन्टोर करूँगी एंड इसके लिए मैंने यहाँ पर NYB कॉन्टोर स्टिक लिया है। इसे अपने हॉलोस ऑफ माई चीक्स, फोरहेड, नोज़ को कॉन्टोर करूँगी एंड जॉ लाइन पर भी इसे अप्लाई करूँगी एंड एक डैम्प स्पंज की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टोर करने से फेस का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो जाता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस तरह से ट्राई कर सकते हो मेकअप को। एंड ये आप इस मेकअप को कहीं भी कैरी कर सकते हो, पार्टीज या फंक्शन में या फिर कोई भी ओकेशन में इस मेकअप को ईजिली कैरी कर सकते हो। ये नेक्स्ट मैंने यहाँ पर शिवाना ब्रॉन्जर पैलेट लिया, इसमें से ये डार्क ब्राउन शेड लेकर थोड़ा सा ब्रॉन्ज करूँगी अपने फेस को क्योंकि हमने क्रीम कॉन्टोर किया है ताकि वो क्रीज ना हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर पिंक ब्लश लूँगी एंड अपने एप्पल ऑफ माई चीक्स पर अप्लाई करूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये शेड है एंड ये एक मैट पिंक शेड है जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी प्रिटी शेड है। नेक्स्ट ADS के ब्रॉ पाउडर को लेकर अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। फ्रंट में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रोक्स में फिल करूँगी एंड जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट आई मेकअप की तरफ जाते हैं, यहाँ पर मैं ये एक लाइट ब्राउन शेड लूँगी एंड इसे क्रीज के थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर कर इसे स्लोली इनवर्ट एंड आउटवर्ट मोशन में ब्लेंड करूँगी। थोड़ा थोड़ा कलर मैं पिक करूँगी एंड इसे बिल्डअप करूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर से ये बर्गंडी शेड लूँगी एंड इसे क्रीज के थोड़ा सा नीचे प्लेस रख कर इसे ब्लेंड करूँगी एंड थोड़ा 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 अमाउंट में ही मैं लूँगी एंड इसे ब्लेंड करूँगी। हमेशा आपको आई शेडो थोड़ा सा लेना है एंड इसे डस्ट ऑफ कर कर आपने अप्लाई करना होता है। देन मैंने यहाँ पर एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ब्लेंडेबल लगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक ग्रीन शेड लूँगी एंड इसे अपने मिडिल ऑफ माय आईज पर, आईलिड पर प्लेस करूँगी फिंगर की हेल्प से क्योंकि फिंगर की हेल्प से आई शेडो काफ़ी अच्छे से पॉप अप होकर आता है। जितनी पिगमेंटेशन आपको ब्रश में नहीं मिलती, फिंगर की हेल्प से काफ़ी अच्छे से ये मिलता है। नेक्स्ट एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर इसे ब्लेंड करूँगी ताकि हार्श एजेस ना दिखे। आप देख सकते हो बहुत ही इजी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई मेकअप रेडी है। लोअर लैश लाइन पर मैं सेम बर्गंडी शेड लेकर इसे स्मोक आउट करूँगी ताकि इवन लगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये सिल्वरी शेड लेकर इनर आइज को हाईलाइट करूँगी एंड सेम ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी।
नेक्स्ट NYB के काजल से इसे अपन ने अपर एंड लोअर वाटर लाइन पर काजल लगा लूँगी कुछ इस तरह से, एंड एक स्मजर ब्रश से मैं थोड़ा सा स्मज करूँगी काजल को ताकि एक स्मोकी इफेक्ट हमें मिले। सो नेक्स्ट यहाँ पर कलर एसेंस के लिक्विड आईलाइनर से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो कुछ इस तरह से मैं आपको विंग निकालूँगी एंड इसे इसी तरह से आपको स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक में आईलाइनर को ड्रॉ करना होता है। बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैट लुक के मस्कारा लेकर अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन पर 2-3 कोट्स अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। काफ़ी अच्छा मस्कारा है ये, जस्ट 200 के अबव में ही मैंने इंस्टाग्राम पे से लिया था। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो यहाँ पर एक ग्लिटर पैलेट में से मैं एक ग्रीन शेड लेकर इसे आईलिड पर प्लेस करूँगी ताकि थोड़ा सा ग्लिटरी इफेक्ट हमें मिले। सो दैट्स इट। नेक्स्ट एक ब्रश लेकर इसमें सेटिंग स्प्रे स्प्रे करूँगी एंड देन इन कलर के हाइलाइटर में से ये 2 शेड्स पिक कर कर अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पर मैं हाईलाइट करूँगी। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मेकअप सेटिंग स्प्रे स्प्रे करने से आपका जो हाइलाइटर है काफ़ी अच्छे से एनहेंस हो के आता है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्ट भी रहता है एंड नेचुरल ग्लो भी आपको मिलता है। सो इसी तरह से मैं अप्लाई कर कर ब्लेंड कर लूँगी। देन सेम सेटिंग स्प्रे को मैं अपने पूरे फेस पर भी अप्लाई करूँगी ताकि ये मेकअप को लॉन्ग लास्ट बना दें एंड एक नेचुरल फिनिश हमें मिले। देन एक डैम्प स्पंज से मैं इसे पुश करूँगी ताकि मेकअप लॉक हो जाए एंड एक नेचुरल लुक हमें मिले। नेक्स्ट मैं यहाँ पर NYB की ये क्रीमी मैट लिपस्टिक यूज़ करूँगी। बहुत ही प्रिटी सा पिंक टू रेड अंडरटोन लिपस्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी क्रीमी ये लिपस्टिक है। सो इसे मैं लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ अवर फाइनल फिनिश लुक। आई होप यू इंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले एंड बेल आइकॉन को भी ज़रूर हिट करें। एंड आप कोई भी रिक्वेस्ट या क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड सो टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।